जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर नशा, तो असल बिजनेसमैन सर्विसेज LLC एयरपोर्ट रोड बिहाइंड एतिसलात बिल्डिंग। ये मेरे पीछे देख रही है नोटरी डिपार्टमेंट है, ठीक है। नोटरी डिपार्टमेंट का क्या क्या काम है? जब आपने न्यू कंपनी ओपन करनी है, ट्रेड लाइसेंस का DED होता है, नोटरी की मैं ऑप्शंस आपको बताने लगा हूँ, जो जो ऑप्शंस आपको मिलेंगी, ठीक है ना। पावर ऑफ अटर्नी, वेरी सॉरी, इसके अंदर क्या चीज़ है, पावर ऑफ अटर्नी कंपनी का और इंडिविजुअल, ठीक है। ये जो कंपनी के मालिक वगैरह हैं या पार्टनर्स वगैरह, उनको ये बेहतरीन पता है कि ये क्या सर्विसेज है। ये उनके लिए ये वाला क्लिप, ये वीडियो उनके लिए, ठीक है। ऑनर एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर, ऑनर और इन्वेस्टर के लिए भी उनको नोटरी चाहिए होता है। नोटरी सर्विस माशाल्लाह हमारे पास है, प्रोफेशनल टीम है और बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी आप सबको, ठीक है। DED आपका ट्रेड लाइसेंस नेम वगैरह जो होगा वो भी इधर से ही होगा। उसके बाद आपने अगर कार वगैरह ट्रांसफ़र करनी है किसी के ऊपर, उसके लिए भी आपको एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है। फ्लैट लेना है, फ्लैट के लिए भी ट्रांसफ़र करना है, या आपने नया बाई करना है, उसके लिए भी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो इधर से होगी। और उसके बाद आ गया आपका ऊपर कुछ केस चल रहा है, उसका केस का है, उसको कैंसिलेशन करना है या कुछ सबमिशन करना, कुछ भी है वो भी इसी डिपार्टमेंट के अंदर होगा। फाउंडेशन कॉन्ट्रैक्ट फॉर न्यू कंपनी, ये जो कंपनी के मालिक है उनको बेहतर पता है कि ये क्या चीज़ होती है, क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट में अभी तक मैंने काम नहीं किया, इसलिए मुझे इस डिपार्टमेंट का अभी तक पता नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, एक कॉल आ गई थी अंदर तो वीडियो कट हो गई। अच्छा, मैं बता रहा था फाउंडेशन कॉन्ट्रैक्ट फॉर न्यू कंपनी। ये फाउंडेशन कॉन्ट्रैक्ट जोन से है, ये जो न्यू कंपनी जो ओपन कर रहे हैं और इन्वेस्टर और पार्टनर, ये उनके लिए, ये पूरी वीडियो मैं इसलिए पहले बता दिए कि यहाँ जो स्पॉन्सर हैं, जिन्होंने इंडिविजुअल वीज़ा लिया हुआ, इनको गोल्डन वीज़ा या लिया हुआ, या इन्वेस्टर वीज़ा है, ग्रीन वीज़ा है, ये डिपार्टमेंट उनके लिए है, ठीक है ना। उसके बाद मंथली इनकम स्टेटमेंट्स, रीजन प्रोफेशनल लाइसेंस फॉर इन्वेस्टर एंड द स्पोज थर्ड पार्टी, ठीक है। ये आपका मंथली इनकम स्टेटमेंट जो उनका होता है वो भी इधर से ही होगा, ठीक है ना। आप सबको नोटरी की यानी कि ऑप्शंस होती है, इसकी ज़रूरत होती है, वो सारी ऑप्शन आपको इंशाल्लाह इधर से मिलेगी। रिवोकिंग ऑफ द पावर ऑफ अटर्नी इफ द पर्सन गिव ऑलरेडी POA पावर ऑफ अटर्नी, देन दे वाना रिन्यू दैट पावर ऑफ अटर्नी, देन विजिट आवर सेंटर। यानी कि आपका रिवोकिंग एक ऑप्शन है आपके लिए, उसके अंदर कुछ भी आपको ऑप्शन चाहिए वो भी सारी इसके अंदर आएंगी। ये सब चीज़ें वो हैं कि जो कंपनी के स्पॉन्सर मालिक वगैरह जो उनसे हैं, ये उनको बेहतर पता है कि ये कौन कौन सी सर्विस है। तो लॉ सूट होता है हमारे पास, इफ़ पर्सन हैव मोर देन बिल्डिंग ऑफ विल्ला देन दे हैव टू ट्रांसफर टू द अदर पार्टी। अच्छा, लॉ सूट क्या चीज़ है जो मैंने इधर लिखा है, यानी कि एक आदमी है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं और काफ़ी ज़्यादा विलास हैं, तो उसने क्या करना है, वो थोड़ा सा अपनी तरफ से बोझ उठा के उसने अपने थर्ड पार्टी को या किसी फ्रेंड को या किसी और चीज़ को, किसी और बंदे को उसको ट्रांसफ़र करना है ना, उसके लिए क्या होता है कि लॉ सूट होता है, इसके अंदर ऑप्शन है, वो आप दूसरी पार्टी को पावर ऑफ अटर्नी ट्रांसफ़र कर सकती हैं, ठीक है। और अच्छा, अभी तो मेरी राइटिंग ख़त्म होगी, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। ये नोटरी भी है और इनके साथ गोल्डन वीज़ा ऑप्शन भी है, उसके साथ वन एक और रूम है, उसके अंदर आपको हमारा लॉयर वो भी मिलेगा, यानी कि जो भी ऑप्शन आप सोचते हैं ना, वो सब ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। ये आपकी कंपनी की बेस होगी पूरी, इधर से स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके बाद ये कंपनी का लाइसेंस वगैरह का जो भी प्रोसेस है वो सारा करके एक वीडियो मैंने बनाई है, मैं इसके साथ लगा देता हूँ। आपको फिर लेबर की ऑप्शंस चाहिए होंगी, लेबर में आपने वीज़े अप्लाई करने हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा सो मैनी ऑप्शंस है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आपको इमिग्रेशन का जो जो रिक्वायरमेंट है वो भी एक वीडियो बना दिए, मैं इसी वीडियो के बाद में वो पूरी डिटेल के अंदर मैं बताता हूँ कि तहसील के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, ठीक है। ये हमारे मैनेजमेंट रूम्स हैं, ठीक है, ओके। ID वीज़ा इधर टाइप होगा, उसके बाद ये आ गया दमान का सेक्शन, ठीक है। ये सारे दमान के काउंटर्स हैं, वो काउंटर 20 आ गया VVIP यानी कि स्पॉन्सर्स इन्वेस्टर्स उनके लिए। वो आ गया ट्रांसलेट काउंटर 19, ये तीन काउंटर आ गए डेटा फ्लो के, ठीक है। यानी कि जो ऑप्शंस आप सोच रहे हैं ना, वो सब ऑप्शंस आपको एक ही सेंटर के अंदर से मिलेंगी। और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। इस वीडियो के साथ मैं दूसरी वीडियो भी अटैच कर देता हूँ।
Hassan Arshad, Tawassul, Businessman Services, LLC, Airport Road, behind Etisalat Building. Welcome everyone. Assalamu alaikum. जी सलाम अलैकुम। ये ऊपर आ गया तोजी, ठीक है, इसका भी मैं बताता हूँ, ठीक है। सलाम अलैकुम हसन अरशद। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप वीज़ा लगवाते हैं ना कंपनी का, वीज़ा लगवाने के लिए आपको तोजी जाना पड़ेगा, उधर आपका एग्रीमेंट टाइप होगा, ठीक है, जॉब ऑफर लेटर जिसको कहते हैं। अगर हदामा है, हदामा का उधर से होगा। ये अंदर तदबीर सेंटर है हमारा, हमारे पास तोजी भी है, तदबीर भी है, ठीक है। उसके बाद जब जॉब ऑफर लेटर लिखवा लिया आपने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने लेना है लेबर कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई करना है, ठीक है। लेबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। आपको मैं थोड़ा जल्दी से जो उनसे ना सब चीज़ें बताता जाता हूँ। हसन बाग, ठीक है। इधर आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वीज़ा वगैरह, ई वीज़ा वगैरह सब कुछ यानी कि इधर से निकलेगा। ये कौन से काउंटर हैं ये मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। और सबसे खास काउंटर ये वाला है। अच्छा, उधर से आपने वीज़ा वगैरह सारा अप्लाई करके, लेबर कॉन्ट्रैक्ट करके, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले क्या करना है, आईडी टाइप करवाना है। आईडी टाइपिंग के लिए सब काउंटर्स हैं। ये काउंटर्स आपको आपका एमरेट्स आईडी टाइपिंग, वीज़ा टाइपिंग और भी काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज हैं, वो मैं फिर बाद में बताता हूँ। जब आप ये कर लेंगे तो आपको वीज़े के बाद दमान इंश्योरेंस चाहिए। ये सब काउंटर्स दमान इंश्योरेंस के हैं, ठीक है। और उधर काउंटर वन भी है, वो पीछे, उसको मैं मेंशन कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। उधर से दमान अप्लाई हो गया, आपका दमान भी बन गया, तो आपका वीज़ा हो गया रेडी। अभी सीन क्या है, जब आपका वीज़ा रेडी हो गया, उसके बाद दो साल का वीज़ा, उसके अंदर आपको पुलिस फाइन लगेगा या कुछ भी होगा, ट्रैफिक फाइन है, किसी किस्म का भी फाइन है, इस पूरे डिपार्टमेंट के अंदर आप आएंगे, आपको सारी सर्विसेज इधर से मिलेंगी, ठीक है। दमान के अंदर कोई इशू हो रहा है इधर से मिलेंगी, लेबर के अंदर कोई इशू हो रहा है इधर से सारी ऑप्शंस आपको मिलेंगी, ठीक है। और ये हमारे जो मैनेजमेंट है उनके ऑफिसिस हैं, ठीक है। सब छुट्टी पे, मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आया हूँ कि आप सबको थोड़ा गाइड कर दूँ कि मैं कौन कौन सी सर्विस आपको दे सकता हूँ। लेबर के अंदर बेहद ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। वो जो लेबर का काम जानते हैं ना, उनको पता है कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं। दमान के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। कंपनी का दमान होता है और फैमिली का होता है, हाउसमेट का होता है, न्यूबॉर्न बेबीज़ कह लें, कुछ भी कह लें, इन सब चीज़ों का होता है दमान, ठीक है। और आपका फ़ाइन वगैरह ये वो सारा इधर से भी होता है, ठीक है। उसके बाद फिर से दोबारा मैं इधर ही आ जाता हूँ तहसील के अंदर। अभी इधर एक और चीज़ है, ये काउंटर्स 32 से लेके 37 और 40, ये काउंटर्स हैं टोटल तहसील के। अभी ये क्या है, काउंटर 31, 38 और 39, ये आ गया इंजाज का काउंटर। इंजाज कहते हैं कोर्ट रिलेटेड आपके जो केस है, कोर्ट के अंदर जो केस जाते हैं, आप कोई कंप्लेन करते हैं, इधर से सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। आपको कंप्लेन नंबर मिलेगा, इधर आएंगे काउंटर 31, 38, 39, इधर से आपका केस कोर्ट के अंदर जाएगा, या कोई फाइल केस वगैरह क्लोज करना है वो भी इधर से ही होगा। ये देखिए, ये है इंजाज, ठीक है। उसके बाद क्या सीन है, आपकी कंपनी यानी कि आप अगर कंपनी के मालिक हो, आपका एम्प्लॉय आपको तंग कर रहा है, तो आप तमीम वगैरह लगाते हो, वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट से होता है। रिमूव करवानी है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट से होगा। इमिग्रेशन में तमीम करनी है, तो दोबारा से इधर तहसील पे आना पड़ेगा, ये सारे प्रोफेशनल टीम है हमारे पास, ठीक है, इधर से ही लगेगी। रिमूव करवानी है, इधर से ही रिमूव हो जाएगी, ठीक है। दमान का ऑलरेडी मैंने बता दिया। अच्छा, वो दमान का वो है अपना VIP कह सकते हैं या इन्हांस कह सकते हैं, यानी कि कंपनी के मालिक के लिए स्पॉन्सर का जो दमान होता है काउंटर 20, ठीक है। और उसके साथ है हमारा ट्रांसलेट काउंटर, ठीक है, ये ट्रांसलेट वाले भाई हैं, ट्रांसलेट काउंटर है वो, है डेटा फ्लो हमारे पास काउंटर 16, 17, 18, ये डेटा फ्लो वाले वो जानते हैं, जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा रश होता है इनके पास भी, तो ये वो डिपार्टमेंट है, बाकी सारा लेबर डिपार्टमेंट है, ठीक है। हसन अरशद, तवस्सुल, बिजनेसमैन सर्विसेज, LLC, एयरपोर्ट रोड, बिहाइंड एतिसलात बिल्डिंग।